दोस्तों स्वागत है आपका। विनेश फोगाट, याद ही होगा ये आपको ये नाम, क्योंकि अपने ही देश में अपने ही न्याय के लिए अपने ही लोगों के विरुद्ध इन्होंने न्याय के लिए प्रोटेस्ट किया और बड़ी चर्चा में रही। इन्हें यहाँ इस देश में न्याय मिला या ना मिला हो, लेकिन देश का सीना गर्व से ऊंचा या चौड़ा कर दिया है विनेश फोगाट ने। बात करेंगे कैसे आज देश भर में इसकी चर्चा है और इस बेटी ने देश का मान विश्व के धरातल पर बढ़ाया है। तो देखते हैं, पहलवानों की धरती हरियाणा में जन्मी रेसलर विनेश फोगाट ने मंगलवार को इतिहास रच दिया। पिछले दो ओलंपिक में इंजरी से मिली हार को भुलाकर विनेश ने पेरिस ओलंपिक खेला, जज्बा दिखाया और पहले ही राउंड में वर्ल्ड नंबर वन ओलंपिक चैंपियन हुई सुसाकी को हराया। विनेश ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन, सेमीफाइनल में क्यूबा की रेसलर को पटका, फाइनल में जगह बना ली। वो आज रात 11 बजे 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी के फाइनल में अमेरिका की सारा हिल्डर ब्रांड से भिड़ेगी। इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अब देखें किस तरीके से हराया। ये जीत के बाद का जश्न हम देखेंगे, किस तरीके से जीत के बाद देखिएगा। जीत के बाद ऐसे मैट पर लेट गई और अपने आंसू को रोक नहीं पा रहे। कैसा होता ना खुशी के आंसू, हम जब इतनी मेहनत करते हैं, बड़ा संघर्ष करते हैं, कई सालों की मेहनत होती है, ना जाने कितनी हारों के बाद जब एक जीत मिलती है तो उसकी बात कुछ और ही होती है। और यही देखने को मिल रहा है विनेश फोगाट के इस सीन से, इस दृश्य से आप देख रहे हैं। देखिए कि विनेश मेट पर गिरने के बाद भी अपने आंसू को बहने से रोक नहीं पा रही थी। ठीक है, उसके बाद भी देखिए कैसे उछल रही थी। उसके बाद देखिएगा, पहली जीत के बाद विनेश मेट पर गिर गई और अपने पिछली ओलंपिकों में जो है ओलंपिक में मिली हार को आंसुओं के जरिए बहा दिया गया। हम कैसे हैं ना, जब देखिए मैदान, खेल का मैदान हो, उसमें कभी हार तो कभी जीत होती है, लेकिन हम जब इन्हें ही जब पिछले ओलंपिक में हार मिली तो हम में से कहीं इन्हें ट्रोल कर रहे थे, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिएगा जीत के बाद की बात कर रहे हैं, जीत के बाद आंसू को रोक नहीं पाई, किस तरीके से ये मेट पर गिरी। फिर देखिएगा विनेश जो है खुशी में झूमते हुए जोर जोर से उछलने लगी। कैसे उछल रही थी आपने देखा होगा, जीत वाकई में शानदार होती है। बड़े हार के बाद जब जीत मिलती है बहुत शानदार होती है। जीत की खुशी में विनेश मेट पर जोर जोर से हाथ पीटने लगी, वो मेट पर ही गिर गई थी। ये देखिए किस तरीके से जब ये जीत मिली तो 50 किलोग्राम कैटेगरी की चैंपियन को हराते ही विनेश दौड़ते हुए झूमने लगी और वो आंसुओं को रोक नहीं पाई। ये देखिएगा, ये देखिएगा किस तरीके की ये जीत है। पहला मैच जीतते ही विनेश इमोशनल हो गई, उनकी आंखों में आंसू भर आए। कितना शानदार दृश्य होता है ना, कितना शानदार। देखिए विनेश ने जापानी रेसलर के खेल को सराहा और उनसे हाथ मिलाया और गले लगते हुए वेल्डन कहा। यही बात होती है प्रतिद्वंदी, आप मिगेल के मैदान में होते हैं। ठीक है, और ये देखिएगा किस तरीके से इन्होंने मैच को जीता, ये कुछ दाव पेन जो है यहाँ पर बताए गए हैं। 5:30 तक पिछड़ने के बाद विनेश ने आखिरी 30 सेकेंड में अटैकिंग दाव खेला और दांव कारगर रहा और विनेश ने 2 पॉइंट बटोर लिए। कुछ इस तरह से जीती है हमारी विनेश फोगाट। इस देश की बेटी ने देश का नाम रोशन किया है विदेश की धरती पर, क्या कहना चाहेंगे इसको। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।